नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज जनपद से आ रही है। कृषि बिल किसान हित में, लोगों को गुमराह कर रही है विपक्ष। सरकार किसान विरोधी नहीं, उक्त बातें महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी ने कही। आज कृषि विधेयक बिल को लेकर महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी ने नौतनवा ब्लॉक के राजाबारी गांव में किसानों के साथ चौपाल लगाकर जनसंपर्क किया और किसानों से कृषि बिल पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार हमेशा से किसानों की सच्ची हितैषी रही है, यह गरीब और किसानों की सरकार है। सांसद ने कहा कि बिचौलियों द्वारा किसानों की आय एक बड़ा हिस्सा खा जाने वाले लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब किसान अपनी फसल की उपज को पूरे देश के किसी भी मंडी में बेच सकते हैं और अपनी फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बिचौलियों की दाल गलने वाली नहीं है। कृषि विधेयक भारत के हर किसान के लिए लाभप्रद होगा। वहीं ग्रामीणों द्वारा झरही नदी के पश्चिमी तट पर बांध निर्माण कराने की बात की, जिस पर सांसद पंकज चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जनपद के अधिकारियों से बात करके निर्माण कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर समीर त्रिपाठी, मुन्ना गुप्ता, अजय सिंह, प्रदीप सिंह, लालचंद चौधरी, नन्हे सिंह, गजाधर दुबे, संतोष यादव, बाबूनंदन शर्मा, गौतम चौधरी, ऋषिकेश यादव, जितेंद्र पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। मैंने माताओं से कहा कि आप महाराजगंज जा करके इसके खिलाफ 419 संसद अवसर का मुकदमा करवा दीजिए। हाँ सर, वही पैसा जमा है। और मैंने ये कहा सर कि जो मैंने लिखवाया था उससे वो भी साक्ष्य हो गया अब कि मैं पैसा 3 किस्तों में दूंगा। लेकिन अब माताएं जो है अड़ी हुई है कि आप दिलवाइए, आप दिलवाइए। सर संभव नहीं होता है, पटवारी सर संभव होता तो इन माताओं का पैसा। मुझे बड़ा खेद है सर जो है कि माताओं का पैसा पता है गरीब है। देखा हमें हर चीज खाली दरोगा नहीं कह ली है। चीट फंड कंपनी बम्बई के हवे ऑफिस बाटे महाराज।